दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि लखीमपुर बवाल पर राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर बोला हमला। बोले जानबूझकर की गई किसानों की हत्या। वहीं लखीमपुर हिंसा केस में चार दिन बाद पहली गिरफ्तारी। आशीष मिश्रा के करीबियों को किया गया गिरफ्तार। वहीं यूपी पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू को लिया हिरासत में। लखीमपुर जाने की जिद पर अड़े। वहीं अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले सपा सरकार बनने पर 2-2 करोड़ रुपए की मदद और सरकारी नौकरी देगी समाजवादी पार्टी। वहीं हरियाणा में लखीमपुर जैसा कांड, किसानों का दावा। नारायणगढ़ में बीजेपी सांसद की गाड़ी ने किसान को कुचला। वहीं लखीमपुर हिंसा का प्रभाव, ठप्पड़ा भाजपा का चुनावी अभियान। अब किसानों के विरोध से निपटने के लिए बनाई जा रही रणनीति। वहीं प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। बोली एक्शन लेना ही पड़ेगा, मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करें पीएम मोदी। वहीं बीजेपी ने की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा, मिथुन चक्रवर्ती को मिली जगह है। मेनका गांधी और वरुण गांधी किए गए बाहर। वहीं लखीमपुर हिंसा पर आक्रामक हुए बीजेपी के सांसद वरुण गांधी। बोले हत्या से विरोध को खामोश नहीं कर सकते। वहीं लखीमपुर कांड में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में यूपी पुलिस। गृह राज्य मंत्री के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं कांग्रेस विधायक की पीएम मोदी से मांग। बोले 500 और 2000 रुपए के नोट से हटाओ महात्मा गांधी की फोटो। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, लखीमपुर बवाल पर राकेश टिकैत ने फिर से सरकार पर बोला हमला। बोले जानबूझकर की गई किसानों की हत्या। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता आज भी धरने पर डटे रहे। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी में जानबूझकर गाड़ियों से कुचलकर किसानों की हत्या की गई और पूरी घटना की चश्मदीद गवाह खुद पुलिस है। पुलिस को निष्पक्ष कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा किसान अपना आंदोलन और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान सरकार से वार्ता से ही निकल सकेगा। वो बार बार सरकार से वार्ता के लिए कह रहे हैं, लेकिन सरकार वार्ता को तैयार नहीं हो रही। कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पिछले 133 दिनों से नैनीताल नेशनल हाईवे पर स्थित कोयला टोल प्लाजा पर बेमियादी धरने पर बैठकर तीनों कृषि कानूनों को वापस किए जाने तथा MSP पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी से वापस लौटते समय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी धरना स्थल पर पहुंच गए और किसानों के साथ ही धरने पर बैठकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि किसानों की समस्या का समाधान सरकार से वार्ता के बाद ही निकलेगा। वो सरकार से बार बार वार्ता करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री वार्ता को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर में जानबूझकर गाड़ियों से कुचलकर किसानों की हत्या की गई है, पुलिस इसकी चश्मदीद गवाह है, घटना के वीडियो भी मौजूद हैं और मीडिया तक जल्दी पहुंचेंगे। पुलिस को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए तथा लखीमपुर घटना से उनके आंदोलन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। किसानों को बहुत लंबी जंग लड़नी है, इसलिए जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि सरकार को हर हाल में कृषि कानून रद्द करने होंगे। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा केस में चार दिन बाद पहली गिरफ्तारी। आशीष मिश्रा के करीबियों को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लवकुश और आशीष पांडे की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों आशीष मिश्रा के साथी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 4 की मौत गाड़ी चढ़ाने से, जबकि बाकी बवाल में हुई है। किसानों का आरोप है कि वो कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे थे, तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में बवाल मचा हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर मामले पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार को आज रिपोर्ट देनी है। कोर्ट ने घटना का पूरा ब्यौरा मांगा है और अब तक जांच में क्या हुआ है इसकी भी जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि मामले पर आज भी सुनवाई होगी। और बड़ी खबर, यूपी पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू को लिया हिरासत में। लखीमपुर जाने की जिद पर अड़े। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को यूपी की सीमा पर रोक लिया। सिद्धू अपने काफिले के साथ लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़े हैं, जबकि प्रशासन ने 5 लोगों को ही उनके साथ वहां आने की अनुमति दी है, लेकिन वो अपने काफिले के साथ लखीमपुर जाने की जिद कर रहे हैं। प्रशासन ने नवजोत सिंह सिद्धू को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे 5 लोगों के साथ ही लखीमपुर खीरी
कश्मीरी जा सकते हैं। सिद्धू के साथ पंजाब के कई विधायक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के करीब 250 वाहनों के साथ आ रहे थे। उन्हें सरसावा इलाके में राज्य की सीमा पर शाहजहांपुर पुलिस चौकी के पास रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। उन्होंने बताया कि काफिले को रोकने पर आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। कुछ बैरिकेडिंग को जोर जबरदस्ती से हटा दिया गया। वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी नवजोत सिंह सिद्धू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि सरनपुर रेंज के सामली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा चौधरी 40 वाहनों के काफिले के साथ हरियाणा से सामली जिले में प्रवेश कर गए, जहां पुलिस ने उनको लखीमपुर जाने से रोक दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से आग्रह किया था कि 5 लोगों के साथ वे लखीमपुर खीरी जा सकते हैं, लेकिन हुड्डा नहीं माने और अपने काफिले के साथ लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़े रहे। लंबी जद्दोजहद के बाद पुलिस प्रशासन ने हुड्डा के काफिले को हरियाणा वापस लौटा दिया, लेकिन सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थक हंगामा कर नारेबाजी कर रहे हैं और लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़े हैं। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले सपा सरकार बनने पर 2-2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देगी समाजवादी पार्टी। ये आपको बता दें कि लखीमपुर मामले में सियासत अब और तेज हो गई है। गुरुवार को पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2022 में अगर सपा सरकार बनी तो पीड़ित परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी जाएगी। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवारों से कहा कि यूपी सरकार मदद नहीं करती है तो सपा सरकार पर पूरी मदद की जाएगी। अखिलेश यादव पलिया के किसान लवप्रीत और निगासन में पत्रकार रमन के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। परिजनों को सांत्वना देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अजय मिश्रा के केंद्रीय मंत्री पद पर रहने तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। सरकार की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब गृह राज्य मंत्री के परिवार वाले ही कांड कर रहे हैं तो जान लीजिए भाजपा कैसी है। अगर सरकार आश्रितों को नौकरी दे देती है तो ठीक है, नहीं तो सत्ता में आने पर हम सरकारी नौकरी का वादा पूरा करेंगे। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड में सभी मरने वालों को अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर 2-2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया है। और ये बड़ी खबर, हरियाणा में भी लखीमपुर जैसा कांड, किसानों का दावा, नारायणगढ़ में बीजेपी सांसद की गाड़ी ने किसान को कुचला। ये आपको बता दें कि लखीमपुर में हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है कि किसानों ने दावा किया है कि हरियाणा के नारायणगढ़ में भी उसी तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। अम्बाला के पास नारायणगढ़ में प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि बीजेपी सांसद नायब सैनी की कार कुछ प्रदर्शनकारियों पर चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसमें एक किसान बुरे तरीके से जख्मी हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि नारायणगढ़ में बीजेपी विधायक संदीप सिंह और कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद नायब सैनी का एक कार्यक्रम था। किसानों को जब इसकी सूचना मिली तो बीजेपी नेताओं के खिलाफ किसान प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। बड़ी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई थी। कथित हादसे के बाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें किसानों को बताया गया है कि बीजेपी नेता की गाड़ी ने उनके एक साथी को कुचल दिया है। किसानों से बड़ी संख्या में पहुंचने और प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की जा रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि यूपी वाली घटना को यहां भी अंजाम दिया गया है। अगली बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा का तगड़ा प्रभाव, ठप्पड़ा भाजपा का चुनावी अभियान, अब किसानों के विरोध से निपटने के लिए बनाई जा रही रणनीति। ये आपको बता दें कि लखीमपुर में हुई हिंसा ने भाजपा की चुनावी तैयारियों पर गहरा असर डाला है। घटना के बाद से अवध क्षेत्र में पार्टी की चुनावी तैयारी लगभग ठप पड़ गई है तो पश्चिमी क्षेत्र के मेरठ प्रांत में तैयारियों पर भी असर पड़ा है। इस समय संगठन के बूथ मैनेजमेंट, शक्ति केंद्र प्रमुखों का प्रशिक्षण और जिलेवार कई कार्यक्रम चल रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों में बाधा पड़ गई है। पार्टी का युवा मोर्चा आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाला था, जो दीपावली तक चलने वाली है। युवा मोर्चा की इस तैयारी में भी खलल पड़ता दिख रहा है। इधर किसान संगठनों का कहना है कि लखीमपुर मामले में किसानों पर हुई हिंसक वारदात के बाद भी भाजपा नेताओं को उनके क्षेत्रों में विरोध जारी रहेगा। माना जा रहा है कि इसके कारण यूपी के अन्य क्षेत्रों में भी भाजपा नेताओं और किसानों का टकराव देखने को मिल सकता है। भाजपा नेताओं को अब अपने क्षेत्रों में किसान संगठनों के विरोध का
भी सता रहा है। पार्टी नेताओं को अब समझ में आ गया है कि किसानों का भाजपा नेताओं के विरोध की बात अब हवा हवाई नहीं है, बल्कि ये उसके लिए बड़ा संकट बन गया है। नेताओं को आशंका है कि उनके क्षेत्रों में भी किसानों की भीड़ उन्हें प्रचार करने से रोक सकती है। अब तक शिथिल पड़े विपक्षी दलों में भी लखीमपुर की घटना के बाद जोश आ गया है। उत्तर प्रदेश भाजपा के एक नेता ने बताया कि उन्हें भी आशंका है कि कुछ क्षेत्रों में उन्हें किसानों का विरोध झेलना पड़ सकता है, लेकिन पार्टी भी विपक्ष की इस चाल से निपटने की रणनीति बना चुकी है। नेता के मुताबिक, हमें किसानों के इस विरोध का अंदाजा था और पार्टी बेहद शांत तरीके से किसानों के इस प्रदर्शन से निपट रही थी। पार्टी की इसी रणनीति का असर हुआ कि लखीमपुर से पहले आज तक किसानों से कहीं भी टकराव नहीं हो पाया। लखीमपुर हिंसा को घटना स्थल पर किसी वरिष्ठ नेता के न होने से हुई चूक बताते हुए नेता ने कहा कि अब आगे पार्टी बेहद शांत तरीके से किसानों के विरोध का सामना करेगी और कहीं भी अप्रिय स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, बोली एक्शन लेना ही पड़ेगा। मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत बर्खास्त करें पीएम मोदी। ये आपको बता दी कि लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने और इस घटना में 8 लोगों की मौत के बाद प्रियंका गांधी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे देने की अपनी मांग पर अड़ी है। बहराइच दौरे पर पीड़ित परिवार के साथ मिलने के लिए गुरुवार को निकली प्रियंका गांधी ने एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वे लखनऊ आए, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं बोला। उनका मंत्री है और उन्हीं की कैबिनेट में उनके साथ बैठता है। जो भी निर्णय होते हैं वे उनके साथ लिए जाते हैं। ऐसे में वे भी जिम्मेदार हैं, उनको बर्खास्त करें। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मीडिया सच्चाई दिखा रहा है, इसलिए प्रशासन रोकने का प्रयास कर रहा है। दुनिया के किसी भी में इस तरीके का हादसा हो और एक यूनियन मंत्री का बेटा आरोपी है और वो रिजाइन न करे, ऐसा कहीं नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा देश दिखा दीजिए जहां पर ऐसा होता हो। अगर न्याय दिलवाना है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि वे दावा कर रहे हैं कि उनके बेटे वहां पर नहीं थे, फिर भी निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए। और बड़ी खबर, बीजेपी ने की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा, मिथुन चक्रवर्ती को मिली जगह है। मेनका गांधी और वरुण गांधी किए गए बाहर। ये आपको बता दें कि बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान किया है। राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, राज्यसभा में सदन के नेता, केंद्र मंत्री पीयूष गोयल एवं सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हैं। 309 सदस्यों की इस नई कार्यकारिणी में मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी को भी जगह दी गई है, जबकि मेनका गांधी और वरुण गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अगली बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा पर आक्रामक हुए बीजेपी के सांसद वरुण गांधी, कहा हत्या से विरोध को खामोश नहीं कर सकते। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद वरुण गांधी ने किसानों के समर्थन में लगातार ट्वीट किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि वीडियो में बिल्कुल सब कुछ साफ है। उन्होंने लिखा कि विरोध करने वालों की हत्या कर उन्हें चुप नहीं किया जा सकता। का खून बहाने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपको बता दें कि वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी के सांसद ने लिखा कि वीडियो बिल्कुल साफ है, विरोध करने वालों की हत्या कर उन्हें खामोश नहीं किया जा सकता है। बेगुनाह किसानों का खून बहाने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इससे पहले कि किसानों के मन में सरकार के प्रति अहंकार और क्रूरता का संदेश जाए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और बड़ी खबर, लखीमपुर कांड में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई यूपी पुलिस, गृह राज्य मंत्री के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया। ये आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अब हरकत में आ गई है। 5 दिन बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लखनऊ जोन के पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि अगर आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए नहीं आते हैं तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के विधायक ने पीएम नरेंद्र मोदी से की बड़ी मांग। बोले 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट से हटा दी जाए महात्मा गांधी की फोटो। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गुजारिश की है कि 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट से महात्मा गांधी की फोटो को हटा दिया जाए। उनकी दलील है कि इन नोटों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में हो रहा है। उन्होंने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बताया है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों की ध्यान खींचते हुए सत्ताधारी पार्टी के विधायक भारत सिंह कुंदनपुर ने कहा कि जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक भ्रष्टाचार के 616 केस दर्ज किए गए हैं। औसतन हर दिन 2 मामले सामने आए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा और उच्च मूल्य के नोटों से महात्मा गांधी की फोटो को हटाने की मांग की। आपको बता दें कि सांगोद के विधायक ने कहा कि गांधी की फोटो केवल 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए के नोट में होनी चाहिए, क्योंकि इनका अधिक इस्तेमाल गरीब करते हैं और गांधी ने जीवन भर बेसहारा लोगों के लिए काम किया। कुंदनपुर ने खत में लिखा कि मेरी सलाह है कि गांधी की फोटो का इस्तेमाल 500 रुपए और 2000 रुपए के नोटों में ना किया जाए। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोली कांग्रेस से कुछ नहीं होगा, भाजपा को केवल टीएमसी दे सकती है टक्कर। ये आपको बता दें कि भवानीपुर उपचुनाव जीतने के बाद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक लेख लिखकर अपनी पार्टी टीएमसी को कांग्रेस से अधिक ज्यादा प्रभावशाली बता दिया है। ममता बनर्जी ने पार्टी के मुखपत्र जागो बांग्ला के लेख में लिखा कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने में तरीके से विफल रही है, इसलिए भारत के लोगों ने फासीवादी भगवा पार्टी को हटाकर एक नया भारत बनाने की जिम्मेदारी अब तृणमूल कांग्रेस पर डाल दी है। ममता बनर्जी ने लिखा कि इस साल की शुरुआत में राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ शानदार जीत के बाद टीएमसी ने देश भर के लोगों का विश्वास जीता है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि हमने कभी भी कांग्रेस को अलग नहीं रखा, लेकिन तथ्य यह है कि हाल ही के दिनों में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने में विफल रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में यह साबित भी हो गया है, यदि आप केंद्र में लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो जनता का विश्वास टूट जाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा को राज्यों में कुछ और वोट मिले, हम इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने लिखा कि भाजपा विधानसभा चुनावों में अपनी हार को पचा पाने में विफल रही है और प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। अभी टीएमसी के सामने कई नई चुनौती है। दिल्ली का आह्वान, इस देश के लोग जन विरोधी नीतियों से राहत चाहते हैं और राजनीति एवं फांसी वादी ताकतों की बुरी तरीके से हार का इंतजार कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि देश के लोग अब टीएमसी को लेकर एक नए भारत का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग अब भाजपा से परेशान हो गए हैं, इसलिए अब वे इस भगवा पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी को विभिन्न राज्यों से लोगों के फोन आ रहे हैं और वे चाहते हैं कि बंगाल एक नए भारत के लिए लड़ाई का नेतृत्व करे, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें लोगों की पुकार का जवाब देना है। हमें लोगों की इच्छाओं को पूरा करना है और सभी भाजपा विरोधी ताकतों को एक मंच पर लाना है और लड़ाई लड़नी है। दिल्ली पहुंचने के लिए भाजपा विरोधी दलों को टीएमसी का साथ देना होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।